हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति, जो 2019 में वैकेंसीज आया था और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 10 लेकर 13 जून तक, ठीक है। पेपर होने के बाद की बात अब है कि यहाँ पे कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि कट ऑफ क्या जा सकता है, तो यहाँ पे आप लोग के साथ जो कट ऑफ शेयर करने की कोशिश शेयर किया हूँ, जिससे कि आपको एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है, क्या रहने की उम्मीद है ना। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे जो मेरे पास डाटा है ना, ये जो मेरे पास आपको डाटा यहाँ पे दिख रहे हैं, ये डाटा ये आपका प्रीवियस ईयर का डाटा है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे, है ना। तो देखिए, यहाँ पे बात करें कि जो 2016-17 का जो रिटर्न कट ऑफ था उसका यहाँ पे मार्क्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको देखा जाए तो एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये जो हुआ था आपका 200, ठीक है, 200 आउट ऑफ 200 में यहाँ पे ये मार्क्स आए थे। ये था 2016-17 का, ठीक है, 2016-17 का ये डाटा है। लेकिन अगर हम बात करें 2019 की बात करें 2019 की बात करें तो इस बार जो है आपका 180 आउट ऑफ 180 में यहाँ पे काउंट होगा। 180 मार्क्स में से आपको कितने कट ऑफ आएंगे, इस पर इस बार कट ऑफ बनना है कि 180 टोटल मार्क्स 180 पर होगा और पिछली बार 200 पे आया था। तो यहाँ पे 200 पे देखिएगा, एक चीज़ गौर कीजिए कि 200 पे अगर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट का देखते हैं सभी में, तो लगभग ये 200 का यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 50% के आसपास में कट ऑफ देख रहा है, ठीक है। 50% से थोड़े से ज़्यादा हैं, जनरल ओबीसी की यहाँ पे बात करें 50% से थोड़े ज़्यादा हैं। बाकी यहाँ पे अगर पीएच और एसटी कैटेगरी वाले के देखें तो वहाँ पे पीएच और एसटी कैटेगरी वाले के लिए जो 50% से भी थोड़े कम है, और एसटी कैटेगरी तो लगभग आपका 50% था। वहीं अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, 200 में से फिर से लगभग सभी में 50% के आसपास में है, या और कुछ तो यहाँ पे एसटी और पीएच कैटेगरी वाले 50% से भी कम थे। अब यहाँ पे कॉमर्स वाले के देखिए, यहाँ पे कट ऑफ थोड़े ज़्यादा है ना, यहाँ 200 में से आपका ये ज़्यादा है, ठीक है। ये 125 यहाँ पे है, 200 में से 125, ठीक है, लगभग यहाँ पे आपका 60% से अबव है ना, यहाँ पे 60% से अबव है। तो यहाँ पे 60% से अबव है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए एसटी और पीएच कैटेगरी वाले, तो एसटी और पीएच कैटेगरी वाले लगभग नियरेस्ट आपका 50% था और एसटी 50% से भी कम था, एसटी भी आपका जो था आपका नियरेस्ट 50% था। वहीं इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का भी आपका यहाँ पे 60% अप्रॉक्स था, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले के लिए देख लीजिए, यहाँ पे 50% तो कट ऑफ किसका ज़्यादा दिख रहा है आपको, कॉमर्स वाले का, इकोनॉमिक सब्जेक्ट वाले का, है ना। इसका जो कट ऑफ है कंपैरिजन देन मैथमेटिक्स की बात करें तो उससे ज़्यादा है। तो मैथमेटिक्स का अभी तक यहाँ पे देखा जाए तो फिजिक्स का सबसे कम है कट ऑफ, एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे 50% है और मैथमेटिक्स का उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो कुल मिला के सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, कट ऑफ बिल्कुल आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा सभी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। वही बात करते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में भी आपका यहाँ पे 60% से अबव है, ठीक है, यहाँ पे 60% से अबव है सभी में आपका 60% और 60% से अबव है। आईटी अगर बात करें, पीजीटी आईटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपका 60% से अबव है और 60% से नियरेस्ट की बात की जा रही है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी आपका 60% के आसपास में है और 60% से, और दो जो यहाँ पे है पीएच और एसटी वाले यहाँ पे जो है उनका 50% के आसपास में। हिंदी वाले का कट ऑफ ज़्यादा गया है, 130 गया है, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का भी 129 गया है, ठीक है। और बाकी सब कैटेगरी में देख लीजिए तो यहाँ पे 60% है, यहाँ पे आपका 60% के नियरेस्ट है, यहाँ भी 60% के नियरेस्ट है, लगभग सभी जगह। तो कुल मिलाकर यहाँ पे सब्जेक्ट की बात यहाँ पे की जाए तो 50 से 60% के आसपास में है ना, 50 से 60% मार्क्स आया था आउट ऑफ 200 में। इस बार की अगर हम बात करें 180 पर जो है ना, 180 टोटल मार्क्स पर कितना होगा, तो 180 मार्क्स का अगर हम 60% निकालते हैं, ठीक है, तो 60% होता है 108, 50% निकालते हैं तो यहाँ होता है 90। तो देख लीजिए, इस बार का अगर कट ऑफ की बात करें तो आपका जो कट ऑफ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका 50 और 60%। तो इस बार का कट ऑफ देखिए, अगर लास्ट ईयर अगर पिछले प्रीवियस ईयर की बात करें तो पिछले प्रीवियस ईयर से इस बार के थोड़े कट ऑफ आपके यहाँ पे जो 60% है और ये 50% है, ठीक है, इतना तो नहीं रहने वाला है, इससे थोड़े ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका इस बार 60% है ना, 60% जो आपका है 60% से
आपका लगभग 70% के बीच में आपका मार्क्स रहने की उम्मीद है, क्योंकि देखो आपका इस बार जो सीट भी है काफ़ी कम है ना, 250 के आसपास में सीट है। अब यहाँ पे 108 से लेकर और 126 मार्क्स जिनके आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पीजीटी, अगर सभी सब्जेक्ट में, अब इसी 108 से लेकर, याद रखिएगा, इसी 108 से लेकर 126 के बीच में सभी अपने सब मैथमेटिक्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको 108 से लेकर 126 के बीच में ही आपका कट ऑफ रहने की उम्मीद है। तो जिनका भी 108 से लेकर 126 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं वो सेफ रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप लोग एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, मैंने क्या बताया कि 108 से लेकर 126 वाले, है ना, 108 से लेकर 126 वाले जिनका भी मार्क्स आ रहा वो सेफ होंगे। अब यहाँ पे फिर से पूछेंगे भाई कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी पूछेंगे, ओबीसी पूछेंगे, एससी पूछेंगे, एसटी पूछेंगे और पेज कैटेगरी वाले जरूर पूछेंगे। तो भाई देख लो, यहाँ पे अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल लगभग आपका 120 से 130 के आसपास में कट ऑफ रहेगा। ओबीसी की बात करें यहाँ पे तो आपका 115 से लेकर 120 के आसपास में कट ऑफ दिखेगा। एससी वाले थोड़े और कम आ जाए यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपका 105 से 115 के आसपास में कट ऑफ दिखने का उम्मीद है। एसटी वाले यहाँ पे 95 से लेकर 105 के आसपास में होगा, और पेज कैटेगरी वाले भी लगभग इसी 95 से 100 के दायरे में ही आएंगे। तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड हमने आप लोगों के साथ कट ऑफ शेयर किया है, और जिनका भी 108 से लेकर 126 में आ रहे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। गाइज, तो आप लोग का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है भाई कि कट ऑफ क्या जाएगा, तो इसी पे मैंने एक वीडियो बनाया है। लास्ट ईयर का, अगर लास्ट कह रहे हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ को लेकर आपको कंपैरिजन करके आपको एक एस्टिमेशन बताया कि देखिए आप इसी तरह से आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपका स्कोर कितना है, आपने कितना किया, और इसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ कितना बन पाएगा, ठीक है। आई होप गाइस की वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इसके रिगार्डिंग जो भी आपका कमेंट है जरूर जरूर कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।